पढ़ाई अलग है बस। अच्छा, और कोई बात? ओपी राजभर जी, समाजवादी पार्टी की आप तारीफ कर चुके हैं, बीजेपी के साथ भी आपकी बैठक, स्वतंत्र देव सिंह के साथ आपकी एक घंटे बैठक हो चुकी है, बीएसपी में आप रह के आए, कांग्रेस ने भी संपर्क किया है क्या आपसे? देखिए, नागनाथ अगर बीजेपी है तो सांप नाग समाजवादी पार्टी है। अगर ये हमको हिस्सा दिए होते लोग, जैसा भैया ने कहा ना, देश में व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, सर्वोच्च कुर्सी पर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन आज क्या हो गया, पार्टी जिसको चाहती है उसको बनाती है, जैसा चाहती वैसा वो करते हैं। प्रदेश में राज्यपाल प्रदेश का मालिक होता है, कहीं गड़बड़ हो तो वो देखे, लेकिन वो प्रदेश का राज्यपाल केंद्र के गुलाम बन जाते हैं। पार्टियां तय करती हैं कि ये राज्यपाल होगा, केंद्र सरकार तय करती है। और भैया जो आरोप लगा रहे हैं, 2 साल उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद अति पिछड़े अति दलित की लड़ाई अगर धरती पर कोई लड़ा है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी मां ने नहीं लड़ा है, कोई बेटा नहीं लड़ा है, कहने के लिए कोई कुछ कहे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हम भी गए थे वहां जहां ये गए हैं, आरक्षण लेने हम भी गए थे, मुझे भी अमित शाह ने समझाया था, सामने बैठा दीजिए मैं सामने कहूंगा। अमित शाह जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अब अनुसूचित जाति में नहीं जा सकते, जो तुम समझा रहे हो नहीं हो सकता, आप दूसरा रास्ता बताओ। हमने कहा तो आपकी पार्टी के राजनाथ जी ने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, उसी को लागू करा दीजिए, कम से कम कुछ तो न्याय मिले और लड़ाई होती रहेगी। तो कहें ठीक है, चलो विचार किया जाएगा। विचार करते करते ये हमसे जब समझौते की बात आई, तब अमित शाह जी ने कहा लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले लागू करेंगे। जब मैं दबाव बनाना शुरू किया तो आप सब लोगों ने, आप लोगों के चैनल पे चला कि 2 बार अमित शाह जी योगी जी से हमारी पंचायत कराने लखनऊ आए थे, दूसरी बार पंचायत में हम अड़ गए कि नहीं, जो आप वादा किए दोनों में से करो। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि वो समिति की रिपोर्ट पुरानी हो गई है, माननीय राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के नेतृत्व में कमेटी बना दिया, कमेटी ने फिर 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आते ही हमने दबाव बनाना शुरू किया, अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि ये रिपोर्ट लागू करूंगा तो यादव नाराज होगा, सोनार नाराज होगा, कुशवाहा नाराज होगा, पटेल नाराज होगा, नहीं लागू करूंगा। हमने कहा मान्यवर तो कोई तो काम हमारा करो, आपने मुझसे वादा किया था एक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा फ्री शिक्षा दूंगा, आपने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार बनाओ, नहीं आप सुन लें, आपने सवाल किया है तो उत्तर, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बना दो डबल इंजन की हो जाएगी, जो आप चाहते हो घरेलू बिजली का बिल हम माफ करा देंगे, वादा किया था कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण लागू कर देंगे, वादा किया था मुझसे उन्होंने, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। और हमारी बस हमारी छोड़ दीजिए, भैया गए थे 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में आरक्षण का वादा करके लिवा गए, 2 साल बीत गया, अब चुनाव आ गया ना, अब आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी अभी आपका 19 तारीख को सदन खत्म हुआ है, हम संविधान की बात करते हैं और सदन खत्म हुआ है, सदन अब नहीं चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश सरकार सदन चला करके कोई प्रस्ताव पास करके नहीं भेजेगी, तब तक ना तो मोदी जी कर सकते हैं ना तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ये हमने देखा है। बिल्कुल, कहां से आरक्षण मिलेगा, ये धोखा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद ये तमाम आप देख लीजिएगा, विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन जो मुद्दे आपके हैं, आपको नहीं लगता कि जब तक सरकार में भागीदारी नहीं निभाएंगे, सरकार में शामिल नहीं होंगे, आप बनवाएंगे नहीं तो ये सब पूरा नहीं होगा, ये सब करेंगे कैसे? नहीं, नहीं, हम तो गए थे सरकार में भी थे, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा, मैं बता दूं, सूबे के मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिया था सरकारी चक्रोट न पाने के लिए, 19 एप्लीकेशन दिया डीएम को, सरकारी चक्रोट नहीं नापने दिया, उसके बाद तो मैं धरने पर बैठने की जब धमकी दिया। ठीक है, संजय निषाद जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर, संजय मुस्कुरा रहे हैं, डर लाना कुछ समझौले बायन हुआ वहाँ गए थे दिल्ली, अभी शायद उधर भैया गई लाना जी, दूसरा ऐसा ही है, पहले भैया गई लाना जवान। आज के दिन में मैं चाहूंगा कि जो जानती नहीं वो जनता है, और जो जान जाए वो नेता है, और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्वकर्ता कहते हैं। संविधान में एक बार लिखा जाता है, जब एक बार राष्ट्रपति ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, भर जो है पासी हैं, उतरहा दखिना मोची चमार भाई हैं, 1992 से उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। चमार भाई के सारी उपजातियां, चाहे कुरील लिखें, गौतम लिखें, ठाकुर लिखें, वर्मा लिखें, उन्हें मिलेगा। अगर मझवार का पर्यायवाची जातियां सहानी केवट लिख देगा, नहीं मिलेगा।
हम कहते हैं आज के दिन में पासी की कोई उपजाति है लिखेगा उसे मिलेगा, और जो छाछड़ जाति नहीं, मैं सवाल सवाल यहाँ ये कह रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो प्रस्ताव भेजा गया है और इस फाइल को बिना प्रस्ताव के राष्ट्रपति नहीं दस्तखत करेगा। जब राष्ट्रपति ने लिख दिया 1961 में केवट मल्लाह को मझवार में गिनो, तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं आज नहीं कल। जब हमारे लोगों ने 100 साल लड़कर संविधान बनाया है, आवश्यकता पड़ेगा तो लड़कर हम इस संविधान को भी लागू कराकर उन्हें दिखाएंगे। अच्छा, तो इस लड़ाई में बीजेपी कितना स्टैंड कर रही है आपके साथ, क्योंकि आपकी नाराजगी की खबरें भी आम हो गई थी। हम कह रहे हैं कि कोई भी रोगी रोग हो और डॉक्टर के पास जाएंगे और वो जटिल कर देगा, रोग नहीं ठीक होगा तो रोग तो खराब होगा ना। कांग्रेस के पास गए 70 साल हमारी फाइल गायब करा दिया, हम बसपा के साथ गए उल्टा पुल्टा उसने और आरक्षण के मुद्दे को उलझा दिया, स्टे करा दिया, फिर हमारा तालघाट नदी रोजी रोटी छीन लिया तो हमारे लोगों ने सत्ता छीन लिया, कांग्रेस ने हमें उल्टा पुल्टा किया उन्हें भी खत्म कर दिया। आज समाजवादी पार्टी गुमराह करती रही हम शामिल करेंगे। मैंने 17 फरवरी 2014 को सीएम हाउस अखिलेश जी को घेरा था कि हम शामिल नहीं करना है, हमें राष्ट्रपति ने शामिल कर रखा है, अगर हमने वोट दिया है तो हमारा मझवार का सर्टिफिकेट जारी करो और पिछड़ी से मेरा नाम खारिज करो। तो उन्होंने देखो रेल रोका 7 जून 2015 को, तो उन्होंने इसमें जो है 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल से दस्तखत कराया, कहा हक है पिछड़े से हमें निकाल दिया। जब हमें से पिछड़े से निकाल दिया तो हमें जो है सरकार उनकी खत्म हो गई। आज के दिन में उनकी गलती क्या थी, ये जो कागज दिया वो 5 साल पहले देते, जब 5 दिन पहले दोगे आप कुर्सी से हट गए, जनता तो हटा दिया ना। अगर सही नहीं था तो राज्यपाल क्यों दस्तखत किया, तो हम पिछड़े में नहीं, हम अनुसूचित में है, हमारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए उसके लिए काम। जिस राघवेंद्र सिंह की बात ये कह रहे हैं पिछड़े में बंटवारे के लिए, उन्हीं राघवेंद्र सिंह ने अभी रिपोर्ट दिया है कि मझवार का सर्टिफिकेट देने में कोई अड़चन नहीं है, संविधान में लिखा हुआ। बसपा की हो गई, कांग्रेस की हो गई, बीजेपी की बात भी कर लीजिए।